ये सबसे मुश्किल शॉट था रिवर्स। मोटर चल गई है, लीक तो नहीं कोई? हाँ जी, ये पानी से लीक आया है, हमारे से लीक नहीं हो रहा। आज हम जी टंकी साफ करेंगे। नहीं, तो हस्बैंड टंकी खोलने लगे हैं जी। खोले इसको, खोलो इसको। अच्छा, ये दोनों खोलने पड़ेंगे, वो भी और ये भी, ठीक है ना? खोल गई है जी टंकी। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैर जी, हम सब बिल्कुल खैर से हैं और उम्मीद करते हैं आप भी बिल्कुल खैर से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम करेंगे जी टंकी साफ। कितनी कभी नलके से इस्तेमाल करते हैं? हाँ, नलका जी हमारे घर में लगा, वहाँ से हम पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला जो पानी है सिर्फ जी कपड़े धोने के, आज इसको साफ करना है वो आपके साथ शेयर करते हैं। टंकी खोल ली है, इधर टूटी जी, इधर लगाई है, इधर टूटी लगी हुई है, तो ये पानी थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है। जहाँ पे जी टंकी रखी हुई थी, तो ये पाइप देखो जो नीचे है, तो चलो कि ऊपर नहीं, इसके नीचे ऊपर भी नहीं आ सकती। इसके अंदर जी तेजाब डाला है, तो अब ये चारों तरफ की इसके जी दाग पड़ गए पानी के, इस वजह से ये ऐसा लग रही है। हद भी नहीं, हमारी बेटी जी भतीजी गई है साफ करने टैंकी को। वो पतली है ना, तो कर लेगी। पतली है वो? हाँ पतली है, स्मार्ट सी है। और ये देखते हो देखते जाली तरह रे उसे खुले आठवां मारे। ये ऐसे हैं मैच पास हो गया ना। अंदर से टैंकी साफ हो चुकी है, तो अब ये सारा सर्फ डाल के जी बाहर से धोएंगे।
ऊपर बारिश में और आंधी तूफान में ऊपर जो रहती है ये बेचारे अकेली इसका आशय ये हो गया, इसका भी कपड़ा बना के रखे ना आप इसके ऊपर। ये जी हमारा पीने का पानी से इससे हम इस्तेमाल नहीं करते, ये सिर्फ कपड़े धोते हैं या बहुत ज्यादा बोर हुआ और पानी है हमारा वो कटने आना हो चलो। ये सबसे मुश्किल शॉट था रिवर्स। चलो जो ठीक है वैसे हमारी टैंकी बड़ी अच्छी तरह साफ हो चुकी है, अब इसको जी इधर जोड़ दिया है टैंकी को। सारे पेच वगैरह से बांध रही हैं, बांध दिए क्या टाइट कर दिए, पर ये एक दो खोलने होते हैं बस, सिर्फ चेक भी करना है ना पानी ना लीक हो बाद में। हाँ तो ये देखिए बस ये जी टैंकी सेट हो चुकी है और ये पेच वगैरह भी बस कसे जा चुके हैं। अब इसके ऊपर ढक वो बाजी मोटर चलाने गए हैं उसको जी पानी से भर देंगे। हाँ जी ये पानी से लीक नहीं होगा, नहीं होना, नहीं चेक तो किया नहीं तुमने। टैंकी हमारी भी साफ हो चुकी है, आज सब ने मिल गई टैंकी साफ कर लिया पूरी फैमिली ने, तो काफी बड़ी टैंकी थी और हाँ जी 150 गैलन वाली है, तो टाइम भी ज्यादा लगना था तो इसलिए सोचा कि सारे मिलकर कर लेते हैं। 2 घंटे लग गए हमारे। हाँ जी तो किसी के उम्मीद है आपको आज की हमारी ये शेयरिंग अच्छी लगेगी, तो विवर ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पीने वाला पानी नहीं है। आप ये सोचेंगे कि इनकी टैंकी अंदर से कितनी गंदी है, नहीं हम तो वाटर सप्लाई वाला पीते हैं। हां जी हमारा बाइट जी वो लगा हुआ है साथ हम सायों का पानी 350 या 400 बोल रहा है, 450 से हम पीने के लिए ले गया था, ये कपड़ों वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पानी, तो आज इसको वैसे साफ कर दिया है। तो आपको आज हमारी शेयरिंग अच्छी लगेगी, अगर आपको आज हमारी ये शेयरिंग अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से कमेंट करें ताकि जी हमारी अफवाही होती रहे। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। असर का टाइम हो चुका है।